फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तूफानी पहाड़ी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट वीडियो है एनवायरनमेंट की सीरीज की। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल कन्वेंशन, क्योंकि हर साल एक से दो सवाल जो है एनवायरमेंटल कन्वेंशन के ऊपर आते हैं, तो ये वाली जो वीडियो है काफी इम्पोर्टेंट है पेपर के नजरिए से। तो हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट के डोमेन में कितनी कन्वेंशन का मतलब है मीटिंग्स। तो एनवायरनमेंट के डोमेन में कितनी मीटिंग्स हुई हैं और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके फील्ड में काम कर रही हैं। तो अब क्वेश्चन जो है आपका प्रीलिम्स में किस प्रकार से आता है कि पर्टिकुलरली उस साल में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है एनवायरनमेंट की, उसके ऊपर सवाल आता है, या कौन सी कन्वेंशन या समिट जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे कि कौन सी मीटिंग किस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग होती है। तो ये दो तीन प्रकार, और तीसरे प्रकार का सवाल है कि इनकी क्रोनोलॉजी आती है। क्रोनोलॉजी का अर्थ है कि कौन सी मीटिंग कौन से साल में कंडक्ट हुई थी, तो उनका अरेंजमेंट आ जाता है सिक्वेंशियल ऑर्डर में टाइम के अनुसार। तो ये दो तीन प्रकार के सवाल हैं जो इसमें से बनते हैं। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल समिट को हम देख रहे हैं, कन्वेंशन को हम देख रहे हैं, नाम है मारपोल, MARPOL। मारपोल का अर्थ है कि अगर हम देखते हैं कि मारपोल स्टैंड फॉर मैरीटाइम पॉल्यूशन। मैरीटाइम पॉल्यूशन का अर्थ आप समझिए कि ओशंस के अंदर या समुद्र के अंदर इतना जो पॉल्यूशन ह्यूमन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि हम न्यूक्लियर वेस्ट को डंप कर देते हैं पॉल्यूशन में, या कोई केमिकल सब्सटेंसेस को डंप कर देते हैं, या कभी पेट्रोलियम को एक देश से दूसरे देश में ले जाते हुए किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है तो पेट्रोलियम स्पिल ओवर हो जाता है ओशन के ऊपर, तो वो भी एक टाइप का पॉल्यूशन है, क्योंकि उससे एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स दोनों को ही नुकसान होता है, वो मरने का खतरा रहता है। तो ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए मारपोल एक कन्वेंशन है जो क्रिएट की गई है। अब ये जो कन्वेंशन है आप देखेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है। अब इस क्या ऑब्जेक्टिव है, किस कारणों से बनी है, टू प्रिजर्व द मरीन एनवायरनमेंट इन एन अटेम्प्ट टू कंप्लीटली एलिमिनेट पॉल्यूशन बाय ऑयल, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस टू मिनिमाइज एक्सीडेंटल स्पिलेज ऑफ सच सब्सटेंसेस। ठीक है, और इसका आप देखोगे जिस साल में ये कंडक्ट हुई है 1973 में सबसे पहले साइन हुई थी, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, उनको पूरा किया गया है, दोबारा से सबमिट होती है, और 1978 में दोबारा से इसमें अमेंडमेंट के साथ इसको अपनाया जाता है। तो अब इसमें से सवाल आ सकता है कि ये किसके लिए बनी हुई है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी एब्रिविएशन क्या है, मीन्स फुल फॉर्म क्या है, और तीसरा सवाल बनता है कि ये कौन से साल में बनाई गई थी। तो ये तीन प्रकार के सवाल इसमें से बनाए जा सकते हैं। अगली एनवायरमेंटल समिट को हम बोल रहे हैं बॉन कन्वेंशन, BONN, बॉन कन्वेंशन। अब बॉन कन्वेंशन का देखिए किस ऑब्जेक्टिव से बनती है। हम कहते हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, जैसे अगर ये इंडिया का नक्शा है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है जो कि बर्मा या म्यांमार के साथ ओवरलैप करता है। अब एनिमल्स के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, एनिमल्स इधर उधर माइग्रेट करते रहते हैं। एनिमल्स कौन से, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जमीन के ऊपर रहने वाले बर्ड्स हैं। अगर हम देखते हैं साइबेरिया से बर्ड इंडिया के अंदर भी आती हैं, राजस्थान वाले इलाके में आ रही हैं, तो वो बर्ड्स माइग्रेट कर रही हैं, साउथ पोल तक बर्ड्स जा रही हैं नॉर्थ पोल से। तो ये जो माइग्रेशन है बर्ड्स का, अगर हम व्हेल्स का देखते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे माइग्रेट करती रहती है। आप इसलिए इस डायग्राम में देखेंगे एक चिड़िया दिखा रखी है और एक जो है व्हेल का डायग्राम है। तो ये ऐसे एनिमल हैं जो लगातार पूरे वर्ल्ड में माइग्रेट करते हैं। अब इन एनिमल के प्रिजर्वेशन के लिए भी कोई कन्वेंशन की जरूरत थी या किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल की जरूरत थी, तो इसीलिए बॉन कन्वेंशन शेप में आती है। तब इसकी एब्रीविएशन है, ये इसकी एब्रीविएशन जिसलिए समिट फेमस है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज CMS। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दी कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अभी कौन से प्रकार के वाइल्ड एनिमल है, अगर हम देखेंगे इसी पैराग्राफ में नीचे, टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड एवियन। एवियन का अर्थ है बर्ड्स। अभी जो ट्रीटी है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के तहत ही ये ट्रीटी साइन है और 1979 में हुई है, 1978 में ट्रीटी साइन हुई है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट कन्वेंशन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कनाडा में एक प्लेस है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या था, हम ये जो डायग्राम भी डिपिक्ट करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं एंटार्क्टिका के ऊपर हमने पढ़ा था एक ओजोन होल क्रिएट हो जाता है। ओजोन होल का मतलब है कि वहां से जो ओजोन लेयर है अर्थ की, वो थोड़ी सी पतली हो गई है और उसमें से सनरेज इंडिया में वर्ल्ड में एंटर करती है। अब इन सन रेज के एंटर करने से, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ओजोन हो गई है, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उस ओजोन लेयर खत्म ना हो
इसलिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन करी है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम देखते हैं कि ओजोन लेयर को किन चीजों से खतरा, किन केमिकल से। वो केमिकल्स हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस एंड अदर डैमेजिंग ट्रांजिशनल केमिकल सच एज HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैसेज हैं पहले रेफ्रिजरेटर में फिलिंग का काम करती थी, ये वो सारी गैसेज हैं। जब से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुई है इन सारी गैसेज को रिप्लेस कर दिया गया है। अब रेफ्रिजरेटर में ये गैसेज नहीं भरी जाती क्योंकि इससे ओजोन को खतरा है। तो अब इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए हम देखते हैं, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसके अराउंड क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले सन 1985 में वेना कन्वेंशन होती है ऑस्ट्रिया में। वो वेना कन्वेंशन इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सन 1987 में साइन की जाती है ताकि और उसमें सुधार किए जा सके। नेक्स्ट हम कन्वेंशन देखते हैं, साइट्स। साइट्स स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। अब इसका अर्थ क्या है कि अगर हम देखते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिया के अंदर हाथियों को मार दिया जाता है उनके दांतों के लिए ताकि उन दांतों को एक्सपोर्ट कर सके और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस उनका मिल जाता है। लेकिन अब इससे एनवायरनमेंट को क्या खतरा है कि हाथियों की हत्याएं होने लगी। ऐसे ही राइनोसोर्स हैं आसाम में, हम देखते हैं इतने सारे केसेस हैं कि राइनोसोर्स को मार दिया जाता है उनके हॉर्न के लिए, तो वो हॉर्न का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस है। तो ऐसे धीरे धीरे एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे फ्लोरा हैं, कुछ ऐसे ही फ्लोरा है मींस प्लांट है जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उनको लगातार काटे जा रहे हैं इलीगल फॉर्मेट में और उनका व्यापार हो रहा है। उस व्यापार को रोकने के लिए ट्रीटी है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल स्पीशीज इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड का मतलब है कि वो वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल जिनको ऑलरेडी खतरा है, बहुत कम मात्रा में वो बचे हुए हैं, इसलिए ये ट्रीटी बनाई गई है। ये 1973 में साइन की गई थी। अब हम देखते हैं इसमें, इसी डायग्राम में देखो कितनी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। सन 2019 में ये ट्रीटी कोलंबो जो कि श्रीलंका में है वहां पे होने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटी मिनीमाटा कन्वेंशन। मिनीमाटा एक जगह है जापान में। अब जापान के इस जगह में जो हम देखते हैं एक कोस्टल एरिया में, वहां पे मर्करी पॉइजनिंग हो गई क्योंकि वहां पे इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डंप किया जाने लगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सब में मर्करी होता है और वो मर्करी मछलियां खाने लगी। उन मछलियों को जब फीड किया गया बड़ी मछलियों में तो उन पे भी वो मर्करी चला गया, और बड़ी मछली में इस मर्करी की पॉइजनिंग और बड़ी मात्रा में है, जो हमने पिछली एनवायरमेंटल और जितनी भी वीडियोज हैं उसमें कंसेप्चुअल वीडियो थी बायोडाइवर्सिटी की, उसमें देखा। इस प्रोसेस को बोला जाता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ है कि कोई सब्सटेंस एक फिश से दूसरी फिश में, दूसरी फिश से तीसरी फिश में लगातार उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो बड़ी फिश है वो छोटी छोटी कई सारी फिशेस को खाएगी जिसमें मर्करी होगा, तो जो बड़ी मछली है उसमें मर्करी की मात्रा औरों से अधिक होगी। तो इसकी वजह से, इस बायो मैग्निफिकेशन की वजह से, अब उस बड़ी मछली को, लेट सपोज व्हेल है, उसको ह्यूमन ने कंज्यूम किया, अब ह्यूमन में इतनी ज्यादा मर्करी की मात्रा है जिससे एक डिजीज हो जाती है, इसलिए मिनीमाटा कन्वेंशन बनाई गई है। इसका देखिए, मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी इज अ इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस। अब ये ट्रीटी है सन 2013 में साइन की गई है जापान के शहर मिनीमाटा के अंदर। नेक्स्ट हम कन्वेंशन देखते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि राजधानी है स्वीडन की, इसमें हम देखते हैं कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का अर्थ समझिए, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट मींस जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो जनरली बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर बायोडिग्रेडेबल नहीं होता और ये एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय तक बना रहता है। क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक बना रहता है तो ये कोई ना कोई एनवायरनमेंट पे या जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इस प्रकार के ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को आइडेंटिफाई किया गया और ये उसमें तय हुआ कि इन पॉल्यूटेंट को धीरे धीरे फेज वाइज हम जो है रिमूव कर देंगे पूरे सिस्टम से, इसलिए ये ट्रीटी साइन होती है सन 2001 में ये ट्रीटी साइन होती है। अब इसलिए देखिए, द स्टॉकहोम कन्वेंशन इज अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम POP। POP स्टैंड्स फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। दीज आर द केमिकल्स दैट रिमेन इंटैक्ट इन द एनवायरनमेंट, जो अभी मैंने आपको बताया, फॉर लॉन्ग पीरियड, बिकम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड,
जोग्राफिकली एक्यूमुलेटेड इन फैटी टिश्यू, कि लोग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज में जो है ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन। अब रॉटरडैम कन्वेंशन देखिए कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स का ट्रेड होता है तो उनके थ्रू एक जगह से दूसरे जगह हार्मफुल केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये ट्रीटी उन ट्रांसपोर्टेड केमिकल्स के लिए है ताकि वो ट्रांसपोर्टेड जो केमिकल्स हैं पहले से ही प्रायर इंफॉर्मेशन शेयर्ड हो कि किस प्रकार के केमिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तो हम इसके लिए देखें, दिस इज अ ट्रीटी ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। ये ट्रीटी सन 1998 में साइन की जाती है। नेक्स्ट हम एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, अर्थ समिट एनवायरमेंटल ट्रीटी। ये अभी तक की सारी एनवायरमेंटल ट्रीटी में सबसे बड़ी एनवायरमेंटल ट्रीटी हुई है, क्योंकि हम देखते हैं लगातार ग्लोबल पॉल्यूशन की वजह से जितना भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसे ग्लोबल टेम्परेचर राइज हुआ, पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ गया है। अब उस बढ़ते हुए टेम्परेचर से अगर हम ये धरती का डायग्राम देखें तो यहाँ पे नॉर्थ पोल में बर्फ है, साउथ पोल में एंटार्क्टिका में बर्फ है, तो उस बढ़ते हुए टेम्परेचर से ये बर्फ मेल्ट हो रही है। और इस मेल्टिंग बर्फ से हम देखेंगे जैसे अफ्रीका है, इंडिया है, ये जितने भी कंट्रीज का कोस्टल एरिया है एक दिन ये सारा कोस्टल एरिया डूब जाएगा, क्योंकि सी लेवल राइज कर जाएगा, समुद्र का जो ऊंचाई है पानी की वो बढ़ जाएगी। अब इसकी वजह से ये नेक्स्ट इन फ्यूचर और टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता है जिसकी वजह से ह्यूमन का रहना मुश्किल हो जाएगा अर्थ पे। तो इसीलिए इस सारी चीजों को बचा के रखने के लिए, एनवायरमेंट को बचा के रखने के लिए एक समिट हुई अर्थ समिट, इसलिए इसका नाम अर्थ समिट रखा गया है क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है अर्थ के बने हुए रहने के लिए। तो ये ट्रीटी जो है यूएनसीडी के अंडर होती है, द यूनाइटेड, इसका जो पूरा नाम है ऑफिशियल नेम जो है, ये तो इसका इनफॉर्मल नेम है अर्थ समिट, जो ऑफिशियल नेम है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसी को बोला जाता है रियो डी जनेरियो अर्थ समिट। रियो डी जनेरियो ब्राजील का एक शहर है, अगर हम मैप देखते हैं साउथ अमेरिका का तो यहाँ पे ब्राजील है, तो ब्राजील के एक सिटी को रियो डी जेनेरियो कोस्टल एरिया है, वहां पे ये समिट सन 1992 में होती है। अब इस समिट में तीन चीजों को तय किया जाता है, तीन मेन काम किए जाते हैं। अगर अर्थ को बचा के रखना है तो सबसे पहले हमने ध्यान देना होगा कि एयर पॉल्यूशन कम हो, और कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन और इस प्रकार की गैसें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनका एमिशन को घटाए। तो हमने देखा कि फ्रेम इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए जो इन गैसेस को कम करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया उसका नाम रखा UNFCCC, इसको अभी हम आगे वाली वीडियो में देखते हैं। इसके अलावा हमने देखा धरती पे लगातार बायोडाइवर्सिटी घटती जा रही है। अब बायोडाइवर्सिटी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है कि धरती पे प्लांट और एनिमल दोनों धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। हमने धीरे धीरे इतने सारे प्लांट्स को काट लिया, इतने सारे एनिमल्स को मार दिया कि वो धरती से अब खत्म हो गए, और हर प्लांट और एनिमल का इकोलॉजिकल कुछ ना कुछ काम होता है, तो वो प्लांट एनिमल एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, तो उनको भी बचा के रखना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए भी हमने ट्रीटी साइन करी है वर्ल्ड में सारी कंट्रीज ने, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए। तीसरी ट्रीटी साइन हुई है एजेंडा 21 का अर्थ है कि ये 21वीं शताब्दी के प्लान्स को इसमें लिखा गया, एजेंडा 21 की क्या एजेंडा है 21वीं शताब्दी के लिए, वो सारा इस ट्रीटी में बताया गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी में अभी कॉन्टिन्यूटी में देखते हैं कि एक एक जो ये काम हमने पकड़ा था इसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन होती है और कौन से कंट्री में साइन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CBD बोला जाता है। अब आपका HAS के प्रीलिम्स में सवाल किस प्रकार आता है कि CBD का पूरा नाम क्या है, CBD किस लिए बनाई गई है, या इसके रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट समिट या कन्वेंशन हुई है वर्ल्ड में, उसका नाम पूछा जाएगा और वो क्यों हुई है। तो अब CBD के लिए हम पढ़ते हैं, द CBD इज एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी विद 3 मेन गोल्स। अब इसके तीन मुख्य काम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हम बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखें। दूसरा है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिस बायोडाइवर्सिटी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लगातार इस्तेमाल करते रहें, तो हमें उसके उस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि वो जो है खत्म ना हो जाए धरती पे। तीसरा है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। अब फेयर एंड इक्विटेबल को समझिए, फेयर का अर्थ है कि जितने भी लोग धरती पे हैं इक्विटेबल ढंग से बायोडाइवर्सिटी के यूज को इक्विटेबली कर पाए, उसके अगर जो भी फायदे हैं, फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट्स हैं, उनको इक्वली और फेयर ढंग से सारे लोगों के बीच में वो वितरण होना चाहिए। अब इस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में जो हमारी मेन आज तक ट्रीटी साइन हुई है सन 2000 में कार्टिजेना प्रोटोकॉल,
कार्टेजिना प्रोटोकॉल हम देखते हैं, इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्निंग द मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायो टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब इसका अर्थ है, आप देखो इसमें एक शब्द है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उनके जीन्स को बदला गया है। अब उन जीन्स के बदले हुए ऑर्गेनिज्म को एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता है। जैसे अगर हमने देखा कि कोई हमने एक अगर हमने वीट बनाया है जिसकी हाई यील्डिंग वैरायटी का वीट है और उसके जीन्स को बदला गया है ताकि उसमें ज्यादा गेहूं पैदा हो, अब उस गेहूं के बीज को जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जाएगा तो उसके रिगार्डिंग बायोसेफ्टी की जो ट्रीटी हुई है उसको बोलते हैं कार्टेजिना प्रोटोकॉल। तो इसका ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कारण से प्रोटोकॉल हुई है, इसी प्रकार के सवाल पेपर में आने की संभावना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल या इसमें बोलेंगे हम सबमिट हुई है जिसको नगोया, नगोया एक शहर है जापान के अंदर, वहां पर यह ट्रीटी साइन हुई है टू एक्सेस on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefit, बराबर के benefit को share कर पाए, तो इसलिए ये protocol हुई है। तो दोनों ही important protocol हैं, दोनों ही CBD के under होती हैं और इनका होने का कारण मैंने अभी आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं अब करंट का इसमें क्या सवाल बनता है। जो COP 21, COP का अर्थ है कन्वेंशन ऑन पार्टीज। कन्वेंशन ऑन ऑफ पार्टीज का मतलब है ये जो पार्टीज का अर्थ है, जो भी देश इस ट्रीटी को साइन करेगा उसको बोलते हैं इसकी पार्टी बन चुका है। अब इस पार्टी एक एक देश को पार्टी बोला जाता है, तो जब सारे देश मिलके एक साथ बैठ के बातें करते हैं तो उसको बोला जाता है कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। तो ये कन्वेंशन ऑफ पार्टीज जो सीबीडी के तहत मिल रही हैं, ये अभी इजिप्ट में सन 2018 के अंदर शर्म ए शेख में इजिप्ट में एक जगह है, वहां पर ये जो है ट्रीटी, ये जो कन्वेंशन साइन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मैंने आपको दूसरा कन्वेंशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बताई थी इस प्रोग्राम के तहत, उसका नाम है UNFCCC, अर्थ है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी HAS के प्रीलिम्स में इसकी एब्रीविएशन को लेकर सवाल आ चुका है, UPSC में भी इस प्रकार का सवाल आ चुका है कि UNFCCC स्टैंड फॉर व्हाट। तो अब हम देखते हैं कि हमने, मैंने पहले आपको बताया था कि जितनी भी एनवायरमेंटल जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उन गैसेस को ना एमिट करने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई है और आइडेंटिफाई किया गया कि कौन सी वो गैसेस है जिनसे पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर राइज होता है। अब इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव देखो, टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोसफेयर at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference. Anthropogenic interference का मतलब है, anthropogenic का अर्थ है आदमी। तो आदमी के interfere करने के कारण atmosphere में जो इस प्रकार की gases की मात्रा बढ़ गई है जिनसे धीरे धीरे temperature बढ़ रहा है, तो वो ना बढ़े इसलिए UNFCCC को बनाया है। अब इसमें जो important protocols हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो एक शहर है जापान में, सन 1997 के अंदर ये ट्रीटी साइन होती है जापान में, फिर दोबारा ये इसकी के बाद एक इम्पोर्टेंट ट्रीटी होती है सन 2015 में पेरिस के अंदर। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। अभी जो करंट अफेयर का सवाल है कि ये अभी ट्रीटी इसकी 2019 में कैटोवाइस जो कि पोलैंड में एक शहर है वहां पे ये ट्रीटी हुई है। अभी से सवाल क्या आ सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि उस प्रोटोकॉल में क्या डिसाइड हुआ था। सन 2019 वाला सवाल इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रीटी लेटेस्ट अभी कहाँ पर हुई है। लास्ट जो एनवायरमेंटल समिट हम देख रहे हैं, एजेंडा 21। एजेंडा का अर्थ है क्या हमने टारगेट रखना है 21वीं शताब्दी में, कि कैसे जो है सारे वर्ल्ड में गैसेस को लेके या एनवायरमेंट को लेके क्या हमारी अप्रोच हो सकती है, वो एजेंडा 21 में हमने डिसाइड किया। तो हम बोलते हैं एजेंडा 21 को, इट इज अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान। नॉन बाइंडिंग का अर्थ है किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशन विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमने देखा था सन 1992 में तीन प्रकार के हमने काम किए थे। सबसे पहले हमने बोला था कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो हमने सीबीडी बनाया उसके लिए, फिर हमने बोला कि एनवायरनमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को घटाना है तो उसके लिए हमने UNFCCC ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। तीसरा हमने कहा कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं सीबीडी और UNFCCC से भी जुड़ी हुई है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21वीं शताब्दी में लाने के लिए हमने एजेंडा 21 बनाया। तो एजेंडा 21 के अंदर सन 2015 में
SDGs, इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमने बनाए कि क्या हमारे टारगेट रहने चाहिए और उन टारगेट को फिर हम अप्रोच करेंगे। तो वो टारगेट हमने सेट किए और ये 2030 तक वैलिड है। सवाल क्या आ सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब से शुरू हुए, 2015 से, कब तक खत्म होंगे, 2030 तक। इससे पहले क्या हुआ करते थे, 2015 से पहले एक गोल्स थे, उनका नाम था MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये सन 2005 से लेकर 2015 तक वैलिड थे, 15 में जैसे ही ये एक्सपायर करते हैं एसडीजी टारगेट आ जाते हैं। अब सन 2012 के अंदर, क्योंकि 1992 से 2012 20 साल हो चुके थे, तो फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबमिट की गई, उसका नाम रखा गया रियो 20। रियो का अर्थ है सबसे पहली सबमिट, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, रियो का अर्थ है कि ब्राजील की एक शहर था रियो डी जेनेरियो, जहां पे ये सबमिट हुई थी एनवायरमेंट को लेके, जिसको हम अर्थ सबमिट बोलते हैं। उस अर्थ सबमिट को हुए हुए 20 साल हो गए थे, इसलिए हमने जो है इसका नाम रखा रियो 20। तो इसका हमने एजेंडा क्या रखा, द फ्यूचर वी वॉन्ट, जिस प्रकार का भविष्य हम चाहते हैं वो यहाँ पे डिसाइड हुआ। तो इस वीडियो में हमने देखा कितनी भी एनवायरमेंटल समिट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर किस प्रकार से सवाल आ सकते हैं, कौन कौन से एनवायरमेंटल समिट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हर साल अनुमान इससे 1 से 2 सवाल आ रहे हैं। तो अब से हमारी एनवायरमेंट की सीरीज वाइंड अप हो रही है, नेक्स्ट जो हम सीरीज अब स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की, करंट अफेयर से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अब जो UNFCCC के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आज तक की जो साइन हुई है 1997 में, उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जापान में हुई है। अब इस प्रोटोकॉल की आप देखो कि क्या सिग्निफिकेंस है, अर्थ की क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इस प्रोटोकॉल के अंदर जब जापान में हुई थी, तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सी वो 6 गैसेज हैं जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो हमने इन 6 गैसेस को आइडेंटिफाई किया और सारे कंट्रीज को बोला कि आप जो है इन गैसेस के एमिशन पे रोक लगाओ। तो ये जो प्रीलिम्स में जो सवाल बनता है कि ये कौन सी 6 गैसेस है, इनके ऊपर सवाल आने की काफी ज्यादा संभावना है। तो आप देखिए कौन सी वो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये वो गैसेज हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान करेंगी एनवायरमेंट को लेके।